थाना सिविल लाइन के क्षेत्र अशोकनगर निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार वर्मा ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। पीड़ित वकील ने बताया कि उन्होंने अमेजोन कंपनी से एक टेस्टर मंगाया था जो घर पहुंच गया। टेस्टर की ये खूबी थी कि घर में कहीं करंट होगा उससे पता चल जाएगा। जब टेस्टर ने काम करना बंद कर दिया तो उन्होंने अमेजोन कंपनी को फोन किया, जहां से जवाब आया कि कुछ देर बाद फोन कीजिएगा। कुछ ही देर में कॉल की गई, जिससे कॉल उठाने वाले ने अपना नाम राकेश बताया और 5 रुपए की फीस जमा किए जाने को कहा। वकील साहब ने जैसे ही ये 5 रुपए की फीस जमा की, उनके मोबाइल फोन पर एक के बाद एक कई मैसेज बैंक से आने लगे, जिसमें पता चला कि उनके खाते से 19,000 रुपए की रकम साइबर अपराधियों ने निकाल ली है। ठगी का एहसास होने के बाद वकील SSP हेमराज मीना से मिले और उन्हें शिकायत करते हुए घटना की जानकारी दी। SSP द्वारा SP City को आदेश दिया गया। SP City अखिलेश भदौरिया के आदेश पर कल वकील विनोद कुमार वर्मा की तहरीर के आधार पर फोन रिसीव करने वाले राकेश को नामजद करते हुए उसके मोबाइल फोन नंबर का भी जिक्र किया गया। 5 रुपए के बदले खाते से ऑनलाइन 19,000 रुपए निकल जाने से परिवार के लोग हैरत में हैं। उधर वकील के साथ ऑनलाइन हुई ठगी की जांच इंस्पेक्टर सिविल लाइन राम प्रसाद शर्मा द्वारा थाने की साइबर क्राइम यूनिट को देते हुए जल्द ही इस साइबर ठग का पता लगाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसा ये हुआ कि 12 मई को मैंने एक अमेजोन से एक आइटम मंगाया था, उसको वापस करने के लिए मैंने फ़ोन किया तो मुझे फ़ोन पे बताया गया, साहब से बात कर ली है, साहब ने मुझे सब डिटेल बताया कि 5 रुपये इसकी फ़ीस जाएगी ऑनलाइन, 5 रुपये करने के बाद में जो है फीस को मैंने पेमेंट किया और मेरे अकाउंट से बैंक के अकाउंट से 19,999 रुपये काट दिए गए। ये मतलब ठीक ये तो आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ, रिपोर्ट में थाना सिविल लाइन पर रिपोर्ट दर्ज किए। अच्छा, SSP से ही मिले थे आप? SSP से मिले, उन्होंने ऑर्डर किया है 24 मई के बाद में कोई एफ आई आर नहीं लिखी मेरी जी। 4 जुलाई को मेरी अपील को दी मैंने एप्लीकेशन। क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहता हूँ कि ठीक ठाक से इंक्वायरी होने के बाद में जो पेमेंट मिला है गलत पेमेंट है, वो पेमेंट मुझे मिलना चाहिए।